चंडीगढ़ और पंचकुला बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सरपंचों का 3 दिन से लगातार धरना यहां चल रहा था और सड़क जाम कर रखी थी, तो उसको लेकर के जनहित याचिका लगाई गई और कोर्ट के आदेश आए हैं कि 10 बजे से पहले, अभी रात 10 बजे से पहले ये जो रोड है वो पूरी तरह से खाली करना होगा सरपंचों को, और कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या के अंदर पुलिस बल यहाँ पहुंच चुका है, क्योंकि जो पंचकुला के डीसीपी हैं उनको ये आदेश दिए गए हैं कि 10 बजे से पहले ये सड़क खाली चाहिए, और क्योंकि आम जन को, चंडीगढ़ से पंचकुला जाने वाले लोग हों या पंचकुला से चंडीगढ़ आने वाले लोग हों, वो आम जन को बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बड़ा बड़ा भारी जाम लग जाता है और जाम लगने के बाद लोगों को कई कई घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो इस कारण से जनहित याचिका लगाई गई थी और जनहित याचिका के ऊपर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने अब आदेश दिए हैं कि रात 10 बजे से पहले इस सड़क को खाली कराया जाए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पुलिस बल मौजूद है वहीं जो सरपंच हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी संख्या के अंदर मौजूद है। अभी सरपंचों को जो है वो समय दिया गया है कि वो फैसला करके बताएं कि वो खुद उठेंगे या फिर जो कि जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई करेगी। तो बिल्कुल पुलिस जो है वो फिर से कहीं ना कहीं बातचीत जो करती हुई नजर आ रही है और बार बार सरपंच एसोसिएशन जो है उससे बातचीत कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि डीसीपी जो हैं खुद मैदान में उतरे हुए हैं। डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह हैं, एसीपी हैं, आदर्शदीप हैं, वो भी हैं, सारे लोग मैदान के अंदर उतरे हुए हैं और सब लोग मैदान में उतर करके और बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। तो बातचीत जो हो रही है, लेकिन उसके बाद बातचीत से क्या कोई हल निकलता है क्या, या फिर अभी पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई नजर, क्या कहेंगे जी पुलिस की कार्रवाई पर, क्या कहेंगे पुलिस की कार्रवाई पर? सर ऐसा है, हमारी कमेटी गई है, वो जो हमारे स्टेट बॉडी के प्रधान जो भी आदेश करेंगे वो हमको मान्य है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, ऐसा है कोर्ट के आदेश, वो जो नोटिस नहीं मिला था कोर्ट के भी, कोई कहेगा आम आदमी का गया नहीं मिला, सीधे आदेश ही दिया है ना, नोटिस तो नहीं दिया इन्होंने पहले भी, नोटिस दिया हो जिस पार्टी को नोटिस दिया उसे भी तो बुलाएं बहस के लिए, उनकी भी बात रखें, जिनको नोटिस दिया है हमारी बात रखी गई होती कोर्ट में, हमारी भी सुनी गई होगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं और कोर्ट के आदेश होने के बाद लगातार जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन सरपंचों का यही कहना है कि एक तरफा आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं, हमें नोटिस नहीं दिया गया, तो वो बात इनकी ओर से कही जा रही है। लेकिन पुलिस बल आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या के अंदर पुलिस बल यहाँ मौजूद है और जो कार्रवाई है वो करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गद्दे और डाल करके यहाँ पुलिस आ चुकी थी और यहाँ कार्रवाई करने के लिए तैयार है, क्योंकि सरपंच जो हैं वो जो हैं यहाँ पूरी तरह से अपना पक्का मोर्चा जो है वो लगाने की तैयारी में थे और 3 दिन से लगा भी रखा था, यहाँ लंगर चल रहा था, यहाँ टेंट लगा लिए गए हैं, गद्दे डाल लिए गए थे, 3 दिन से सरपंच जो हैं वो यहीं सो रहे थे। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले बताया कि जो दिक्कतें हैं, जो आम जन को दिक्कतें हैं, उसको लेकर के जनहित याचिका लगाई गई थी और जनहित याचिका लगाने के बाद कोर्ट का फैसला आया। आपको दिखाना चाहूंगा कि बस ला करके यहाँ खड़ी कर दी गई है, क्योंकि अगर सरपंच नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ से उठ करके नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी जो है वो यहाँ की जा सकती है, और गिरफ्तारी करके इन्हीं बसों के अंदर लगातार जो 4 बसें खड़ी कर दी गई हैं, तो इन बसों के अंदर बिठा करके और इनको यहाँ से ले जाया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर ले जा करके थाने आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जो सरपंच एसोसिएशन है वो अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या वो खुद अपनी मर्जी से ये धरनास्थल छोड़ देंगे, और जो पुलिस कह रही है कि दूसरे धरनास्थल पर जाकर आप बैठ जाइए, जो कि वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है और आप अपनी मांगों को वहाँ रह करके मनवा सकते हैं और सरकार से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है आमजन का जो रास्ता है उसे आपको खोलना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी ही देर के अंदर ये कार्रवाई क्लियर होगी। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 पंचकुला।